गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है मिस क्रिएटिव। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ड्स ऑफ द डे से। चार वर्ड्स सीखेंगे हम नए। पहला है HANDSEL, इसको प्रोनाउंस करते हैं हैंडसल। हैंडसल क्या होता है? कोई भी गिफ्ट आप जब गुड लक के रूप में एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, मतलब नया साल शुरू हो रहा है, तब आप किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हो एज अ गुड लक, उसको हम हैंडसल बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लो कि देख कि कम ऑन द न्यू ईयर्स ईव, वो नए साल के मौके पर आए और उन्होंने बच्चों को क्या दिए, हैंडसल्स दिए। गिफ्ट्स की जगह हम हैंडसल वर्ड भी यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड है इम्पीटुअस। इम्पीटुअस इसका मतलब होता है कि कोई भी काम आप जल्दी जल्दी कर देते हो बिना सोचे समझे, डन क्विकली विदाउट थॉट और केयर। फॉर एग्जाम्पल ले लो, बी अवेयर ऑफ मेकिंग रैश जजमेंट्स एंड इम्पीटुअस कमिटमेंट्स, राइट? हमें जल्दी जल्दी कोई कमिटमेंट्स जजमेंट्स नहीं देनी चाहिए। तीसरा वर्ड है मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब होता है कि आपके पास या तो कोई शार्प क्वालिटी है या फिर आप शो कर रहे हो किसी को अपनी शार्प क्वालिटी। जैसे कि फिल्म इज वर्थ वॉचिंग फॉर इट्स मॉडर्न ह्यूमर, जो फिल्म हम देख के आए वो वर्थ वॉचिंग थी क्योंकि उसमें शार्प क्वालिटी थी। अगला वर्ड है डोपेस्टर। डोपेस्टर मतलब यूज़ होता है एक ऐसे इंसान के लिए जो कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है ये सप्लाई करता है, किसी को देता है, टिपिकली किसी इवेंट पे या फिर इलेक्शन पे। जैसे कि एग्जांपल ले लो, डिस्पाइट द प्रोटेस्ट ऑफ एजुकेटर्स, लेबर्स एंड द प्रेस, डोपेस्टर्स प्रिडिक्टेड दैट द बोर्ड वुड फायर हिम एनीवे। मतलब जो भी एजुकेटर्स का, लेबर का और प्रेस का विरोध चल रहा था, उसके विरोध में डोपेस्टर जो कि एक पर्सन था, जो या एक या एक से ज़्यादा पर्सन थे, उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया कि जो बोर्ड है वो उन लोगों को फायर कर देगा। तो यहाँ जिसने प्रिडिक्ट किया था, जिस इंसान ने या जिन इंसानों ने, उनको यहाँ पे डोपेस्टर बोला गया है। ओके, सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नहीं पता चलेगा। और आने वाले टाइम में हम और भी बहुत सारी वीडियोस लाएंगे जो वर्ड्स ऑफ द डे पे होंगी, जिसमें आपको नए नए वर्ड्स विद नए नए मीनिंग्स सीखने को मिलेंगे। ऐसे वर्ड्स जो आप अपने डेली रूटीन में भी यूज़ करते हैं, उन वर्ड्स के अलावा आप और कौन से नए वर्ड्स उन्हीं वर्ड्स की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको देखने को और सीखने को मिलेंगे। धन्यवाद।